गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सेवर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो कल के दिन एक गिरावट देखने को मिली, जहां पर स्टॉक 6 रुपए 15 पैसे की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 0.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। जहां पर इस स्टॉक में एक टेक्निकल देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जहां पर पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में 2.5% से भी ऊपर की रैली देखने को मिली है, तो एक महीने में इस स्टॉक में 2% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में देखें तो अराउंड 1 साल में 9% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न में इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली, पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली, पर इस स्टॉक में अगर हम शॉर्ट टर्म का देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ स्टॉक का नजर आया 842 रुपए। 842 रुपए का इस स्टॉक में एक हाई बना और ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक का ट्रेंड देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा और इस स्टॉक में देखें तो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 694 रुपए। 694 रुपए इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में 3 टाइम्स स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आ रहेगा और इस स्टॉक में यहीं से एक स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक निचले लेवल पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 694 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 840 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक में जहां पर आज के दिन इस स्टॉक में क्लोजिंग हुई थी, इसकी पिछली जो ग्रीन कैंडल देखने को मिली है 719 रुपए। 719 रुपए का आप एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 750 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।